अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये राइस दोस्तों आप बना सकते हैं रॉ मैंगो के साथ। ये है रॉ मैंगो राइस, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए है दोस्तों एक बोल बॉयल राइस, ये पके हुए चावल है। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है एक कच्चा आम, जिसको कैरी भी बोलते हैं। ये ग्रेट कर लिया है मैंने इसको, आप मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लें। यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी राई और हल्दी ली है मैंने थोड़ी सी। ये हल्दी ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही लिए यहाँ पे चॉप्ड हरी मिर्चें। और चलिए अभी इसको हम कुकिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया है दोस्तों। तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे राई। राई चटकते ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, थोड़ा सा इनको फ्राई कर लें। और इसके साथ ही हम इसमें ग्रेटेड रॉ मैंगो डाल देते हैं, कैरी घिसी हुई डाल देते हैं इसमें। और इसको भी डालकर 10 से 15 सेकेंड के लिए अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा। इसके साथ ही नमक भी डाल दें दोस्तों। ये राइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, क्योंकि खट्टे खट्टे बनते हैं ये राइस, क्योंकि रॉ मैंगो कच्चा आम जो है वो दोस्तों खट्टा होता है, उस वजह से ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। और जब आप कैरी भून रहे हो, इसी के साथ ही हल्दी भी डाल दें और इसको भी डालकर मिक्स कर दें, क्योंकि तेल में ये पक जाएगी, वरना ये चावलों में इसकी कच्ची स्मेल आएगी हल्दी की। अच्छे से इसको भूनेंगे, तकरीबन एक मिनट तक अच्छे से भूनना है आपने, ताकि जो कच्चे आम में जो पानी है वो सारा सूख जाए इसका। अच्छे से भूनेंगे और इसमें हम डालेंगे अब ये पके हुए चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हैं दोस्तों, ये आप लेफ़्टओवर राइस से बना रही हूँ दोस्तों मैं। आप चाहे तो ताज़ा राइस बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी लेफ़्टओवर राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास घर में कभी चावल बचे हुए हो और कुछ करना चाहते हो, तो आप ये बनाकर दे सकते हैं बच्चों को, झटपट खा सकते हैं और झटपट बना भी सकते हैं। और लो फ्लेम पर ही इसको हम अच्छे से राइस को डालकर मिक्स करेंगे, ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, जो ग्रेटेड कैरी है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस को भी बंद कर देंगे। तो चलिए इसको अब हम सर्व करते हैं। हमारे रॉ मैंगो राइस तैयार है और दोस्तों इसको भी हमें सर्व करना है। इसके साथ दोस्तों कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस आपने इसको बनाना है और गर्मा गर्म सर्व करना है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं दोस्तों, खट्टे खट्टे चावल इतने टेस्टी लगते हैं कि कोई भी आप पेट भर के खा सकता है। यहाँ पर मैंने बस एक आम से एक बोल राइस से बनाया है। आप इसको अपने फैमिली के मेम्बर्स के हिसाब से बना सकते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रॉ मैंगो राइस की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलती हूँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।